नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका मैं कंचन टीवी पर। कंचन टीवी अक्सर आपके सामने नए नए मुद्दे लेकर आते हैं, और अभी का जो हरियाणा का जो सबसे हाईलाइटेड मुद्दा है वो है नगर निकाय चुनाव। जी हाँ, अभी सोमवार को ही घोषणा हुई है हरियाणा में नगर निकाय चुनाव होंगे। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि नगर निकाय नगर पालिकाओं में चुनाव हो रहे हैं, और अगर मैं बताऊं 40 नगर पालिकाओं में चुनाव है, ना नगर परिषद है ना नगर निगम है, नगर पालिकाओं में चुनाव हो रहे हैं। सफीदो भी उनमें से एक है, और सफीदो की अगर बात की जाए तो हाईलाइटेड ये सीट रहने वाली है, महिला आरक्षित सीट है। और जैसे आप सबको पता है कि 19 जून को वोटिंग होगी, और 19 जून को जब वोटिंग होगी तो उसके ठीक 3 दिन के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। सफीदो के जितने भी दर्शक हमारे जुड़े हैं उनको पता है कि चुनावी मैदान में कौन कौन कूद पड़ा है। गौरव रोहिला की बात की जाए, बहुत पहले से वो चुनाव में कूदे हुए हैं। राकेश जैन हैं, उन्होंने भी अपनी पत्नी को अरुणा जैन को उतारा है, तो वो भी मैदान में एक लंबे अरसे से लगे हुए हैं, जनता के बीच है। उसके अलावा कुछ और नाम भी हैं जो गाये बगाहे आपको सुनाई देते हैं, जिनके पोस्टर आपको दिखाई देते हैं। उनके बाद अगर बात की जाए तो बहुत चर्चित चेहरा जो है नगर पालिका प्रधान के लिए लड़ रहा है विजय सैनी। विजय सैनी वही है जिन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था, LSP लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा था। राम मेहर अभी देख रहे हैं, स्वागत करता हूं उनका मैं चैनल पर। और दर्शकों, आपके सवाल जो हैं, आपकी सवालों का भी जवाब हम देंगे, तो आप सवाल भी कर सकते हैं किन्हें आप पसंद करते हैं प्रधान के तौर पर, कौन आपकी पहली पसंद है, किस किसकी संभावना कितनी लगती है आपको, वो सवाल जवाब भी हम आपसे करेंगे, तो सवाल भी आपके लेते रहेंगे। मैं बात कर रहा था विजय सैनी भी मैदान में है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं बजिंदर सैनी भी एक ऐसा चेहरा है जो काफ़ी अरसे से काफ़ी वक्त से प्रधानी के लिए ताल ठोके हुए है। हैचरी व्यवसाय से वो आते हैं और शहरदार हैं। सैनी जो वोट बैंक है उनका बहुत अच्छा प्रभाव सफीदों में कहा जा सकता है। महाजन कम्युनिटी के बाद कहा जाए तो सैनी समाज इक्वल है, और काफ़ी अच्छा वोट बैंक उनका है, तो कहा जा सकता है कि सैनी जो कम्युनिटी है वो चुनाव को प्रभावित करने का दम रखती है। उसी के दम पर शायद बजिंदर सैनी और विजय सैनी है ताल ठोक रहे हैं। उसके अलावा विकास संसद की अगर बात की जाए, उनकी माता जी चुनाव फाइट कर रही हैं, कांता जी, वो पेशे से एक शिक्षिका रही हैं, लंबे अरसे तक उन्होंने गवर्नमेंट टीचर के तौर पे काम किया है, तो अच्छा प्रभाव उनका है। एक शालीन परिवार कहा जाता है कंसल परिवार को, और एक बहुत बड़ा परिवार है सफीदों के अंदर, कंसल परिवार काफ़ी प्रभावी परिवार है, तो वो भी ताल ठोक रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि विकास कंसल भी अब अगर बात की जाए, चुनाव घोषित होते ही उनके पोस्टर फिर से आ गए हैं, तो कहा जा सकता है कि वो भी चुनाव में डटे रहने वाले हैं। दर्शक जितने भी जुड़े हैं वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लाइव आपके सवाल लेने वाले हैं, उनके जवाब देने वाले हैं। किस प्रधान का, संभावित प्रधान की उम्मीद आपको लगती है वो जीत सकता है, और कौन कौन सी हाईलाइटेड सीट है, कौन कौन से वार्ड हैं जो आकर्षण का केंद्र बने रहने वाले हैं चुनाव में, क्योंकि 27 दिन मिले हैं चुनाव के लिए, और 27 में से ऑलरेडी 2 दिन निकल चुके हैं, तो 25 दिन अभी बचे हैं। और जब 4 तारीख को नॉमिनेशन का आखिरी दिन होगा, और 6 तारीख को, माफ़ कीजिएगा, 7 जून तक नाम वापिस ले सकते हैं, तो तब तकरीबन 12 दिन ही आपको बचते हैं प्रचार करने के लिए, क्योंकि 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। तो इतने कम टाइम में क्या सभी लोग, जितने भी प्रत्याशी हैं, क्या वो जनता तक अपनी बात रख पाएंगे? यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि कैंडिडेट कौन कौन है, जो दर्शक अभी जुड़े मैं उनको बता दूँ। गौरव रोहिला सबसे चर्चित नाम है, राकेश जैन है, बजिंदर सैनी है, विजय सैनी है, विकास कंसल है, और यहाँ पर मास्टर करतार को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके भी पोस्टर टेम्पो पर है, दीवारों पर है, आपने अक्सर देखे होंगे। इनमें से आपका आपको क्या लगता है कि कौन संभावित प्रधान हो सकता है, या किसको ज़्यादा वोट पड़ सकते हैं, वो कमेंट करके हमें बताते रहिए, ताकि हमारा भी ज्ञानवर्धन हो, जनता को भी पता चले कि आम जनता की, आप जैसे जागरूक दर्शकों की क्या राय है, कौन प्रधान बनेगा, कौन बनना चाहिए, और क्या खूबी उनमें होनी चाहिए। उसके अलावा मैं बता दूं, मुकेश सनई भी एक ऐसा नाम है,
मुकेश तनई भी एक ऐसा नाम है जो गाहे बगाहे सुनने में आता है, पोस्टरों के जरिए हो, होली दिवाली पर उनके पोस्टर दिखते हैं। अभी सन्नी सैनी यहाँ पर है जो विजय सैनी जिंदाबाद कहते हैं, तो कहीं ना कहीं विजय सैनी का खाता खोल दिया है सन्नी ने। तो और भी अगर दर्शक यहाँ पर जुड़े हैं वो अगर किन्हीं और को पसंद करते हैं तो उन अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि कुछ रोचक मुकाबले भी देखने को मिलेंगे आपके अपने सफ़ीदों में, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वार्ड एक से नरेंद्र सैनी हमारे पत्रकार साथी रहे हैं, एडवोकेट भी हैं, एडवोकेट नरेंद्र सैनी अगर मैं कहूँ तो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके आने के बाद एक चीज़ तय है कि जो भी उनके प्रतिद्वंद्वी होंगे उनको बहुत नपे तुले शब्दों में अपनी बात रखनी पड़ेगी। बेदाग छवि वाला कैंडिडेट ही उनको कम्पीट कर सकता है, प्रतियोगी उनका बन सकता है, क्योंकि शालीन नरेंद्र सैनी बहुत हैं और कलम के धनी तो वो जब पत्रकारिता में थे हमने देखा है वो रहे हैं, लेकिन उससे भी उम्दा वो इंसान है। इस तरह के पार्षद अगर हमारे बीच आते हैं तो हमारी नगर पालिका का सुधार होता है, तो कहीं ना कहीं मजबूत दावेदारी नरेंद्र कुमार की है। उसके अलावा अगर मैं वार्ड चार की बात करूं, दर्शकों को मैं बता दूं वार्ड चार मेरा अपना वार्ड है, मेरे अपने वार्ड में अगर बात की जाए मौके के जो पार्षद है सुनील बाबू, सुनील बाबू ने फिर से ताल ठोकी है। गुग्गा सैनी जी भी अभी हमारे वीडियो में जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं कंचन टीवी पर। हमारे वार्ड चार की मैं बात कर रहा, सुनील बाबू हमारे मौके के एमसी हैं, पार्षद हैं, उन्होंने काफ़ी जनता के साथ सीधे संवाद किए हैं, वो सुबह साइकिल लेकर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जनता से उनका सीधा संपर्क रहता है, तो वो फिर से उन्होंने ताल ठोकी है। लेकिन इस बार उनके सामने चुनाव कौन लड़ रहा है, उनके सामने जो सबसे बड़ा नाम है दीपक चौहान का है। जी हाँ, वही दीपक चौहान है जो गौ सेवा के अध्यक्ष हैं, गौ सेवा में लगे हुए हैं, अध्यक्ष से बड़ा उनका जो रुतबा है वो गौ सेवा का है। वो रात दिन अपने परिवार को भुलाकर, अपने बच्चों को भुलाकर गौ सेवा करते हैं, ये ना आपसे छुपा है ना हमसे। तो कहीं ना कहीं जो दीपक चौहान है काफ़ी मजबूत दावेदारी रखते हैं सुनील बाबू के मुकाबले, तो ये कहीं ना कहीं एक कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि देखना होगा कि वहाँ सुनील बाबू ने जो कर्मठता से काम किया है, जो एक अच्छी छवि उन्होंने रखी है उसका फायदा उनको मिलेगा, या फिर दीपक चौहान ने जो समाज के लिए गौओं के लिए काम किया है उसका फायदा दीपक को मिलेगा। तो यहाँ पर वार्ड चार की जनता के लिए कहीं ना कहीं दो अच्छे चेहरे, सामाजिक चेहरे सामने होंगे, तो मुश्किल थोड़ा सा होने वाली है वार्ड चार की जनता को। तो लेकिन देखना होगा कि ये भी रोचक होगा कि जनता किसके सर पर ताज सजाती है। लेकिन ये मैं बता दूं कि रोचक मुकाबले होंगे, सभी अपने मतों का प्रयोग भी करेंगे, और गद्दी पर, प्रधानी की गद्दी पर किसको बैठाएंगे। इस बार सीधे प्रधानी के चुनाव हो रहे हैं, तो जनता सीधे उनको चुनेगी, ना कि एमसी मिलकर उनको प्रधान को बनाएंगे। तो पहली बार ये हो रहा है तो आपके और हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है। और दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, प्रधान की सीट पर गौरव रोहिला बैठे, राकेश जैन बैठे, कंसल बैठे, या विजय सैनी बैठे, या मुकेश थनई बैठे, करतार मास्टर बैठे, कोई भी बैठे, जो भी बैठे जनता का भला करे, नगर का भला करे, सफ़ीदों में विकास की बहार लेकर आए, विनाश ना हो, क्योंकि बहुत कुछ राजनीति की वजह से सफ़ीदों ने अभी तक झेला है, और सफ़ीदों ने जो झेला है कहीं ना कहीं सफ़ीदों पिछड़ा भी है, तो सफ़ीदों को आगे करने के लिए एक सशक्त उम्मीदवार का आना जरूरी है। कंचन टीवी ये नहीं कहता कि आप किसी हम किसी एक के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि अपने मत का प्रयोग कीजिए, अपने विवेक से फैसला लीजिएगा, अपने लालच से, लोभ से बाहर निकल कर नगर के, शहर के विकास के लिए चुनिएगा, अपनी वोट का इस्तेमाल विकास के लिए कीजिएगा। यही प्रार्थना है आप सबसे, अपने मत का प्रयोग 19 जून को अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका मत बहुत कीमती है, उसी से प्रधान बनेगा, वही विकास करेगा, इसलिए घर से निकलना जरूरी है। और आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए कि किसके सिर पर ताज सज सकता है, क्या गौरव रोहिला के किए गए कामों पर लोग मोहर लगाएंगे, क्या राकेश जैन अपनी पुरानी छवि, जो अपनी बेदाग छवि है उसको भुना पाएंगे, क्या वो फिर से प्रधान बन पाएंगे, या फिर इस बार
नए को मौका देंगे। विजय सैनी भी कतार में है, बजिंदर सैनी भी कतार में है, विकास कंसल भी कतार में है, मास्टर करतार भी कतार में, मुकेश थने भी कतार में है। अगर बात की जाए तो बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे, सामाजिक चेहरे हैं आपके, हमारे बीच के ये चेहरे हैं, ये मैदान में है, लेकिन किस पर जनता मोहर लगाएगी, सफेदों की जनता किसको सिरमौर बनाएगी, ये तो 19 जून को पिटारे में बंद होगा, ईवीएम में बंद होगा, और 22 को नतीजे आएंगे, तब किसके लिए ढोल बजेगा, किसके लिए रंग गुलाल उड़ेगा, किसके लड्डू बटेंगे, आप और हम उसके गवाह रहेंगे। कंचन टीवी तब भी आपको दिखाएगा, भाईचारा हमें बनाए रखना है, वोट का प्रयोग जरूर करना है, विकास के लिए वोट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी के लिए, आपका दोस्त आपका होस्ट यशपाल कंचन।